कुंड यहाँ से उतर करके तुम देख सकते हो, पता है यहाँ से पैदल वो मंदिर बता रहा है वो, यहाँ से पैदल पैदल जाते मत चलेगा, गाड़ी खड़ी आएगी यहाँ पे, भैया कुंड दिखता है उधर से। यार हम लोग बृहस्पति कुंड वाटरफॉल की ऊपरी लोकेशन पे आ गए हैं, हाइट वाली लोकेशन पे। यहाँ से पानी बह बह के जाता है और गिरता है बृहस्पति कुंड में। तो हम लोग जा रहे हैं बृहस्पति कुंड की तरफ। हमें भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, कहाँ है कुंड, क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, जस्ट फर्स्ट टाइम। तो देखते हैं आगे। ये जो जगह है ये कुछ इस टाइप की लग रही है जैसे यहाँ ऊपर से पानी की स्ट्रीम्स जो हैं, वाटर स्ट्रीम्स बह बह के आती हैं बरसात के टाइम में। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता होगा और जो कि आगे कुंड में गिरता होगा। इस कुंड की हम लोगों ने इमेजेस देखी हैं, वो इमेजेस काफ़ी बड़े फॉल के फॉर्म में दिखाई पड़ती हैं। हमारे लिए भी ये एक राज की ही बात है कि अब यहाँ क्या दिखने वाला है। ये आगे हमको दिख रहा है कि आगे जाने पर एक काफ़ी बड़ा सा गैप है, ऐसा गैप जो हमको दिख नहीं रहा है। सीन थोड़ा सा आगे जा कर के कुछ चेंज सा हो रहा है। अब उस गैप में क्या है, उम्मीद तो यही है कि वहाँ काफ़ी डेप्थ होनी चाहिए। अब हम लोग जस्ट एग्जैक्टली उस गैप के पास पहुँचने ही वाले हैं, तो देखते हैं ज़रा कितनी डेप्थ है इस फॉल की। ओ माई गॉड, इट्स हॉरिबल। चलते चलते एकदम से आ गया ये। ओफो, अबे इतनी हाइट, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है। कितनी हाइट में हैं हम लोग। उधर देखो पानी भी गिर रहा है, चार पांच पांच स्ट्रीम्स गिर रही हैं, कैमरे में ठीक से दिखाई नहीं पड़ रही हैं। कुछ लोग नीचे हैं भी, कैसे गए वो लोग नीचे। आगे एक जगह है पतालेसुर, वहाँ से जगह है नीचे की तरफ जाने की। ये हमारे साइड में खड़े हैं वो बता रहे हैं, वहाँ नहाने की जगह भी है नीचे। तो दोस्तों कानपुर से मैहर जाने के रास्ते में ये एक बहुत ही अल्टीमेट जगह मिल गई है हमको। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, और उस तरफ से लोग आते हैं, उधर एक मंदिर है, मंदिर से होकर के नीचे एक गुफा टाइप की भी बनी है जहाँ से नीचे आप जा सकते हैं। अब हम लोग चूँकि इस तरफ से आ गए हैं, ऊपर वाली साइड में हैं हम लोग, तो इसके लिए उधर हमको काफ़ी चल के जाना पड़ेगा। इवन गाड़ी भी जा सकती है वहाँ पर, बट अब हम उधर जाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और गाड़ी में पेट्रोल भी कम है। तो अब हमको जो कुछ भी करना है यहीं से करना है, यहीं से देखना है, यहीं से इसके मज़े लेने हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कलिंजर फोर्ट की पाताल गंगा का पानी भी बह बह के आता है यहाँ पर। ये जो स्ट्रीम्स हैं ये दिख रही हैं यहाँ पर, जो कैमरे में बहुत क्लियर नहीं आ रही हैं। और बरसात के टाइम पे जब काफ़ी पानी यहाँ फ्लो करता है तो नीचे सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता है, और ये एक छोटा सा एक नियाग्रा फॉल वाला लुक देता है, बट ऊपर से देखने में नहीं, नीचे से देखने में। नीचे जाना मुमकिन है, आप लोग आएँ तो नीचे भी जाएँ और नीचे जाके पार्टी करें, इसमें नहाएँ, मौज करें, मस्ती करें और मज़े लें। बृहस्पति कुंड वाटरफॉल से मूव कर चुके हैं, अब हम लोग मैहर की तरफ। मैहर है यहाँ से 90 किलोमीटर, और ये आप देख रहे हैं मैहर का रास्ता बहुत ही सुंदर है। ये छोटे छोटे पहाड़ दिखते हैं यहाँ। ये पहाड़ ऐसे क्यों दिखते हैं कि जैसे लगता है ऊपर से किसी ने इनको काट दिया हो, बिल्कुल ऊपर से फ्लैट। इसका रीज़न मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए ये दूसरा पहाड़ है, लग ही नहीं रहा कि ये प्राकृतिक है। ऐसा लगता है जैसे इसको कोई शेप दे दिया गया हो, स्पेसिफिकली किसी ने बनाया हो इसको। यहाँ से मैहर 50 किलोमीटर बचा है और रास्ता बहुत ही सुंदर है। और वो देखिए एक थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक बहुत ही बढ़िया सा पहाड़ आने वाला है, और ये देखिए आ गया। ये देखिए इसका लुक बिल्कुल टोपी टाइप की लग रही है, और ये जो टोपी टाइप का पहाड़ है अभी इसको हम और पास से आपको दिखाते हैं। ये रास्ता इतना अच्छा है कि आप इस पर गाड़ी तेज चला ही नहीं सकते, आप धीमे धीमे चलाओगे और सब तरफ देखते हुए नज़ारे देख के गाड़ी चलाओगे। और ये देखिए ये बिल्कुल पास में आ गया, कैसा टोपी टाइप का लग रहा है ये। अब पता नहीं ये प्राकृतिक है या इसको वास्तव में किसी ने बनाया ही है, शेप दिया है, या ऊपर से बाद में काट दिया गया है, बहुत बड़ी मिस्ट्री है ये। पता करेंगे, देखते हैं, पता लगेगा, कोई तो बताएगा, या ढूंढेंगे, गूगल सर्च करेंगे, बट पता ज़रूर करेंगे कि ऐसा शेप क्यों हो गया, इनका क्या रीज़न है। MP के पहाड़ों में ऐसा क्या बात है जो वो इस टाइप के होते हैं, अकेले अकेले होते हैं, अलग अलग होते हैं। नई उम्र के बच्चे तो इन पर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट इनकी नहीं है,
शायद 2 या 3 घंटे में चढ़ जाएं ऊपर तक ट्रैकिंग करते हुए। और ये देखिए लुक, इस लुक को तो देख करके ये ऐसा लग रहा है जैसे ये ज्वालामुखी टाइप का कोई पहाड़ रहा हो पहले, पहले ये ज्वालामुखी हो, अब ये ज्वालामुखी नहीं है, हो सकता है। और ये देखिए अब हम लोग आ गए हैं मैहर में, मैहर जी का ये देखिए चौराहा है जहाँ पर घंटाघर चौराहा बोलते हैं इसको। और ये यहाँ क्लॉक टावर लगा हुआ है और यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पे अब हमारा होटल है, तो हम लोग होटल पहुँचने वाले हैं। सो डियर नाउ वी रीच एट होटल वृंदा। हाँ ठीक है, अब चालू करें। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं होटल वृंदा पे, और ये होटल वृंदा जो है ये मैहर में है, और मैहर का द बेस्ट होटल है, द बेस्ट होटल आप देख सकते हैं। अभी आपको पूरा होटल दिखाएंगे हम, और जो टोटल कॉस्ट जो यहाँ पर आई है वो भी हम बताते हैं आपको। 3500 अराउंड 3500 बुकिंग चार्जेस विद GST। तो अब आपको हम घुमाते हैं इस होटल को। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो जो बेस्ट जगह है मैहर में रुकने के लिए वो आपका यही है होटल वृंदा। अब वन बाय वन हम आपको इसके देखिए, ये पहली चीज़ तो कार की पार्किंग है यहाँ पे, ये हमारी कार पार्क है यहाँ पर, ये देखिए। और जो इसका पीछे आप देखेंगे ये इसकी है टोटल बिल्डिंग, ये है इसकी टोटल बिल्डिंग एंड द कंप्लीट एरिया। काफ़ी बड़ी पार्किंग दे रखी है यहाँ पर और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये देखिए एक कार कोई और भी आ रही है पीछे से, तो थोड़ा सा हटना पड़ेगा। ये कैसे पता? वो लिखा है NH30। चलो हम दिखा रहे हैं, चलो सामने आओ। तो ये आप होटल के जस्ट बाहर देख सकते हैं, होटल के गेट के बाहर, ये है NH30। तो नेशनल हाईवे 30 पर है ये होटल। ये देखिए फुल स्पीड गाड़ियाँ निकल रही हैं, और नेशनल हाईवे से कटने के लिए इस पर रास्ता भी बना हुआ है जिससे आप डायरेक्ट होटल के अंदर आ सकते हैं। तो ये रीच में है, आप इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हैं नेशनल हाईवे 30 पर आकर के। और यहाँ से जो मैहर देवी हैं, मैहर देवी का जो हिल्स है वो यहाँ से दिखता है। अभी चूँकि रात हो गई है इसलिए आप नहीं देख पाएंगे, तो मैहर देवी का हिल्स जो है वो यहाँ से क्लियर दिखता है, इसी डायरेक्शन में है यहाँ पीछे की तरफ। और ये देखिए ये जो है ये होटल का एंट्री गेट है, ये पीछे अपनी कार पार्क है। और ये देखिए भैया गार्ड भी खड़े हैं, गार्ड भैया ने ही हमको जैसे ही हमारी गाड़ी आई तो बताया कि यही है आपका होटल वृंदा। हम लोग कानपुर से हैं भाई साहब, हम चलिए आपको दिखाते हैं अंदर। सो दिस इज़ होटल वृंदा, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा नेशनल हाईवे पर ही, बाहर से आपको साफ क्लियर दिख जाएगा, एंड दिस इज़ द गेट। अब चलते हैं हम लोग अंदर। सो दिस इज़ द पार्किंग एरिया, ये इधर भी है पार्किंग एरिया और इस तरफ भी है। इधर ये जो ग्रिल लगी है इस ग्रिल को हटा देते हैं और आप दूसरी तरफ जा कर के भी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। तो पार्किंग एरिया काफ़ी है यहाँ, कम से कम 10 गाड़ियाँ तो आराम से खड़ी हो सकती हैं। एंड दिस इज़ द बाउंड्री वॉल बिहाइंड द गेट, जस्ट नियर द गेट। और ये देखिए ये एंट्रेंस के लिए यहाँ इन सीढ़ियों से आया जाता है ऊपर। ये हमने मेक माई ट्रिप से बुक किया है, टोटल जो कॉस्ट पड़ी वो 3500 ऑलमोस्ट। एंड दिस इज़ द रेस्टोरेंट, तो ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर। तो रेस्टोरेंट के अंदर चलें, चलो तनिष ने एंट्री मारी, रिया जी ने भी एंट्री मार दी। बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ, झींगुर थोड़े से ज़्यादा हैं, नेचुरल प्लेस है, प्राकृतिक जगह है। और ये तनिष हैं बेटा, फ़ोटो भी खींचना बाद में एक साथ, जाओ तुम भी जाओ सामने।
अभी वीडियो बन रहा है ना। ये पीछे वॉल में पेंटिंग बहुत बढ़िया है, और ये माँ बेटे का प्यार, और जो बेटी है वो घर पे पढ़ रही है। एंड सी दिस पेंटिंग, मैंने ऐसी फ्लिपकार्ट पे देखी थी। 1 2 3 4 5 6 7 हॉर्सेस आ गए। मैंने यही सेम फ्लिपकार्ट पे देखी थी, वो अप्रोक्सीमेटली 4 रुपए थी। अबे झूठ बोल रहा है कि सही? सही बोल रहा है। हाँ, ये का ये कई बार झूठ भी बोलता है, कई बार सही भी बोलता है, तो समझ नहीं आता कि क्या बोल रहा है। और देखिए जो रेस्टोरेंट का इंटीरियर है उसमें इतना खाली प्लेस दे रखा है। एंड नाउ इनसाइड वी कैन सी द रेस्टोरेंट। चलो चलते हैं। ओके, रेस्टोरेंट के अंदर अब हम लोग बाद में ही जाएंगे, ठीक है? ओके, अब आपको यहाँ का गार्डन दिखाते हैं। और ये देखिए ये कितनी बड़ी आसी टनल बनी हुई है, और अभी ये भी जो एरिया है ये रेस्टोरेंट के अंदर का एरिया है जिसको हम बाहर से शूट कर रहे हैं। कुछ लोग खाना भी खा रहे हैं यहाँ पर। देखिए एक फैमिली भी आई हुई है, एक हमारी भी फैमिली है साथ में। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि गार्डन है एक बहुत बढ़िया सा। सी दिस इज द गार्डन। अभी इसके अंदर चलते हैं हम लोग। तो काफ़ी जगह है, और मेक माई ट्रिप पे हमने इसके रिव्यूज पढ़े थे, रिव्यूज भी काफ़ी अच्छे हैं। बस केवल एक ही प्रॉब्लम है झींगुर की, जो कि घूम रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर। सो दिस इज़ द लॉन। मैरिजेस के टाइम पे इसको शायद मैरिज के लिए भी बुक करते होंगे, बट इतना प्लेस है नहीं, ये शायद छोटी पार्टी इसके लिए बुक होता होगा लॉन, क्योंकि मैरिज के लिए तो बहुत ज़्यादा इंतजाम चाहिए। और होटल के एंट्रेंस पे भी लिखा हुआ था दिस इज़ अ होटल एंड सम लॉन फॉर द स्मॉलर पार्टीज। और एक सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पर एक मंदिर भी है बढ़िया सा, तो मंदिर की तरफ चलते हैं। शंकर जी का मंदिर है। जय भोले, जय शिव शंकर। ये देखो आए भोले भक्त, हर हर महादेव। अरे वाह, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ चित्रकूट में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। नहीं, चित्रकूट नहीं, ये तो मैहर है, सॉरी। तो ये मैहर जो है यहाँ पे छोटे सी पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी, जो कि सीन आपको दिखाई पड़ेगा मॉर्निंग वाले व्लॉग में। और यहाँ मैहर पे ही एक पहाड़ है जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे लोग चढ़ाई करके जाते हैं, माँ शारदा जी का मंदिर। तो वहाँ का भी पूरा पूरा व्लॉग बनेगा। चूँकि ये प्राकृतिक जगह है इसलिए यहाँ पर झींगरों की संख्या बहुत होती है। ये देखिए ये नीचे जो हैं ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आप देख रहे हैं, ये सब झिंगुर ही झिंगुर हैं यहाँ पर चारों तरफ। ये हमारे अभी बाथरूम में भी थे तो अभी निकलवाया है उनको। ये देखिए ये यहाँ पता नहीं क्या खोज रहे हैं, क्या है उधर? तो वो एक ऑन ऑन रूफ रेस्टोरेंट है लग रहा है, वो बैठने की जगह है। अच्छा, वहाँ बैठ करके आराम से आप नज़ारे ले सकते हैं। और ये है पूरा पूरा लॉन। इसको क्या बोलते हैं बेटा जिससे ये पानी निकलता है? फाउंटेन बोलते हैं। लो, फाउंटेन ही नहीं याद आ रहा था मुझे। तो ये देखिए फाउंटेन है एक बहुत बढ़िया सा कलरफुल फाउंटेन। और इसके इसके कलर्स जो हैं वो बदल रहे हैं। ये देखिए कलर चेंज हुआ, कलर चेंज हो रहा है इसका। इधर देखो, शकल तो दिखाओ। क्या कीड़े बहुत हैं यहाँ पर, कूदना पड़ना उसी में जो नहा लो। और जो हमारा रूम है वो है फर्स्ट फ्लोर पे, दिखाते हैं आपको। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पर जो नीचे रेस्टोरेंट है, नीचे रेस्टोरेंट ग्राउंड फ्लोर पे है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे जो आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ विंडो, फोर्थ विंडो जिसका पर्दा खुला हुआ है, यही रूम है हमारा। ये वाला दिस इज़ अ सुपर डीलक्स रूम। दो टाइप के रूम्स हैं यहाँ पर, एक है डीलक्स और एक है सुपर डीलक्स। तो हमने सुपर डीलक्स रूम लिया क्योंकि सुपर डीलक्स रूम में
विंडो है जो कि बाहर की तरफ खुलती है, जहाँ से कि हम गार्डन देख सकते हैं। तो इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज किए हमने, इसीलिए ये अमाउंट जो है 3500 पहुँचा। अदरवाइज़ ये जो अमाउंट है ये 2800 के अराउंड था अगर हम विंडो व्यू वाला रूम ना लेते हैं। सो डीलक्स रूम 2800 एंड दिस इज़ द सुपर डीलक्स रूम, दिस इज़ 3500। ये देखिए कितने बढ़िया बढ़िया से वाइट वाइट से मार्बल्स हैं। और कितना बढ़िया सा एक प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर, और रिया जी कुछ रिसर्च कर रही है इन मार्बल्स पे। ये क्या कर रही हो हैं तुम, तो वो बन गई, वो कौन थी, जोधा भाई, जोधा भाई। हैं ये कौन सा फूल पा गई हो, बेला। तो ये किसके लिए निकाला ये? अच्छा हम ही को दोगी? अबे यार गिरा, लाओ अब इसमें देते हुए दिखाओ ना कैमरे के सामने। लो हम तुम्ही को देते हैं वापस, लो तुम ही सूख लो। और ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्बल तोड़ा है। सो नाउ वी आर एंटरिंग इनसाइड द रेस्टोरेंट, सो लेट्स सी द लुक ऑफ द रेस्टोरेंट। सो दिस इज द इंटीरियर एरिया एंड नाउ इन रेस्टोरेंट वी आर गोइंग इनसाइड। सो एट द ग्राउंड फ्लोर दिस इज़ अ कम्प्लीट रेस्टोरेंट, काफ़ी बड़ा एरिया है इसमें। सो यू कैन सी दिस, सम फैमिलीज आर टेकिंग डिनर। दिस इज़ द कम्प्लीट राउंड लुक। तनिष भी आ गए घूम के, रिसेप्शन पे खड़े हो गए। रिया जी कहाँ गए? साढ़े दस बजे तक यहाँ पर डिनर होता है, अभी टाइम नहीं हुआ डिनर का अपने, थोड़ी देर में करेंगे ठीक है। इधर से भी रास्ता है जाने का, सो दिस इज द साइड वे टू कम आउटसाइड। डेकोरेशन बहुत ही शानदार है। तो अब चलते हैं रिसेप्शन एरिया में। सो नाउ सी दीज आर द स्टेयर्स एंड सी द लाइटिंग इन द स्टेयर्स। रिसेप्शन एरिया भी बिल्कुल ब्लैंक पड़ा है, जब हम आए थे तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। सो दिस इज द रिसेप्शन एरिया एंड सम स्टेयर्स आर देयर टू रीच अप टू द रिसेप्शन एंड देन द रिसेप्शन इज एट फर्स्ट फ्लोर एंड अवर रूम इज ऑल्सो एट अ फर्स्ट फ्लोर, रूम नंबर 103। हाय करिए, आप भी हाय करिए। तो ये हूँ मैं और ये हैं सब। एसी के सामने बैठे
एसी सामने बैठे हैं, होटल का पूरा पैसा वसूल रहे हैं। चिल्ड चिल्ड हो रखा है, बिल्कुल खाना भी चिल्ड हो जाएगा, जल्दी से खा रहे हैं। भैया हाय कीजिए, भैया आप भी हाय कीजिए। तो ये देखिए बहुत ही शानदार यहाँ पर है ये होटल, जब भी आइएगा तो NH 32 पे पड़ता है और बिल्कुल लेफ्ट साइड पड़ेगा, बहुत ही अच्छा होटल है। तो आपको हम बाहर का दिखा चुके हैं, अंदर का बस रह गया। और यहाँ पे देखिए रूम्स हैं, हाँ लॉबी रह गई है, और ये क्या है रिसेप्शन, ये रिसेप्शन है। बहुत ही बढ़िया होटल है, यहाँ पे खाना भी मतलब उतना महंगा नहीं है, सही है खाना, पैसे सही, हाँ पैसे के साथ बहुत सही है। अभी जस्ट वहीं से खा कर आ रहे हैं। और ये भैया बड़े स्वीट से हैं, सब काम कर देते हैं। और ये देखिए ये भी सब काम कर देते हैं, मैनेजर से, बिल्कुल मैनेजर, देखिए मैनेजर ना आप। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, 9 बज चुके हैं और हम लोग होटल से चेकआउट करके निकल लिए हैं मैहर में माँ शारदा देवी जी के दर्शन के लिए। तो मैहर देवी जी के दर्शन कराएंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।